हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मलाई कोफ्ता बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं मलाई कोफ्ता बनाना। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए ये हमने पनीर लिया है, ये हमने 150 ग्राम के आसपास पनीर लिया है। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और 2 बड़े आलू लिए हैं, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और 1 कटोरी मैंने मलाई ली है। 3 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको लंबा काट लिया है। और 3 ही मैंने प्याज ली है, इनको भी लंबा काट लिया है। 5 लहसुन की कलियां और ये 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सॉस पैन लिया है और इसमें मैं ऑयल डालूंगी। मैं लहसुन के 2 टुकड़े कर लेती हूँ बीच में से, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा लहसुन है। इधर हमारा ऑयल गरम हो चुका है, सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। लहसुन हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी और साथ ही अदरक के टुकड़े डाल दूंगी इसमें। जब तक हमारे ये प्याज भूनते हैं तब तक मैं कोफ्ते की तैयारी कर लेती हूँ। इस पनीर और आलू को मैं हाथ से अच्छे से मसल लूंगी। पनीर और आलू अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। 1 छोटा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालना इसमें। और 1/2 छोटा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसमें। 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें काली मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी फिर से। ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं प्याज को चेक कर लेती हूँ। और ये हमारे प्याज भुनने लगे हैं। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। हम जिस प्रकार से शाही पनीर की ग्रेवी तैयार करते हैं उसी प्रकार से मैं मलाई कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। 1/2 छोटा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसमें। 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालना इसमें। और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूंगी। अब इस मसाले के अंदर
दो से तीन चम्मच मैं इसमें पानी डालूंगी। ये मसाला मैं अच्छे से भून लूंगी, जब तक इसका ये पानी सोख ना ले मसाला तब तक मैं इसे भूनूंगी। जब तक ये हमारा मसाला भूनता है तब तक मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। अब मैं इसके रोल बना लूंगी। मैं इस प्रकार से लंबे वाले कोफ्ते बनाऊंगी। मैं इस प्रकार से रोल बनाऊंगी। आप चाहे इसके अंदर किशमिश, काजू, जो आपका मन करे ड्राई फ्रूट भर सकते हैं। मैं इसमें ड्राई फ्रूट नहीं भरूंगी और मैं इसी प्रकार से सारे रोल बना के तैयार करूंगी। इसी प्रकार से मैं अपने सारे रोल तैयार करूंगी। अब मैं मसाला चेक कर लेती हूँ इतना, और ये हमारा मसाला भुन चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और मसाले को ठंडा होने दूंगी। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक मैं ये ऑयल गरम कर लेती हूँ। और ये हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। ये मैंने अरारोट लिया है, ये आधा चम्मच मैंने अरारोट लिया है। मैंने कोफ्ते के अंदर अरारोट नहीं डाला। और अब मैं इस पे थोड़ा सा इस प्रकार से लपेट लूंगी। इस प्रकार से लपेटूंगी इस पे और इसमें फ्राई करती जाऊंगी मैं। गैस को हमने स्लो पे ही रखा है। ये हमने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम मैं तेज कर देती हूँ। अब मैं एक चम्मच की मदद से इन कोफ्तों को हिलाऊंगी। ये हमारे कोफ्ते अच्छे से सीख रहे हैं। ये हमारे कोफ्ते अच्छे से सिक चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। हमारे कोफ्ते का कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं कोफ्ते की ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे मिक्सी के जार में मसाले को डाल दूंगी। और मैं इसे पीस लूंगी अब। और ये हमारा मसाला अच्छे से पीस चुका है। अब मैं इसके अंदर मलाई डाल दूंगी।
अब इसमें मैंने एक चम्मच के आसपास पानी लिया है, वो डाल दिया है इसमें, और इसे मैं फिर से ग्राइंड कर लूँगी। और ये हमारा मसाला पीसकर तैयार हो चुका है। ये कढ़ाई ली है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें चौथाई चम्मच देगी मिर्च डाल दूंगी। और अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूंगी। मैं इसमें आधा कटोरी मैंने मिक्सी के जार में पानी डाला है, ये भी इसी में डाल दूंगी। और अब मैं इस ग्रेवी को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने दूंगी। और ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच केचप सॉस डाल देती हूँ। आप चाहे इसे डालना चाहो तो डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ये कोफ्ते डाल दूंगी। और गैस को मैं बंद कर दूंगी। और ये हमारा मलाई कोफ्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारा मलाई कोफ्ता बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।